मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को कैबिनेट की बैठक में करीब चार घंटे की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रियों के साथ एजेंडे तय किए गए, जिसमें स्काई योजना के मामले में कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला लिया गया, फूड फॉर ऑल के लिए हितग्राही चुनने कानून में संशोधन होगा जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पौनी पसारी पद्धति के आधार पर बाजार बनाए जाएंगे, जिसमें लोहार, कुम्हारी, कोष्ठा जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन स्थायी रूप से किसी भी व्यक्ति को दुकान नहीं दी जाएगी। रोजगार की दृष्टि से योजना लागू की जाएगी, जिसका लाभ 12,240 से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। 50% महिलाओं को चबूतरा दिया जाएगा। 168 पौनी पसारी मार्केट 168 निकायों में खुलेगा। परंपरागत कामों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना पर 2 साल में 73 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी और करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई।